जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आज पूरा मल्होत्रा परिवार पहुंच गया है डाइनिंग टेबल पर। ऐसे में सभी घरवाले आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो ट्विस्ट आए थे वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए हैं, ऐसा सभी को लगता है। इसी बीच वहां पर हरलीन अपनी बड़ी बहू को पूर्वी को बुलाने का काम दे देती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। ऐसे में मोनिशा अपनी बहन का साथ देती है। पूर्वी है ही इतनी अच्छी बच्ची, इतनी नेक और साफ दिल लड़की मेरे बेटे की लाइफ में आई है। कभी कभी लगता है वेरी लकी, सच्ची लकी फील करता हूँ ये सोचकर कि उसके आने से मेरे बेटे की जिंदगी एकदम सेट हो गई है, रक्षा कवच की तरह। हमारे घर के लिए पूर्वी एक वरदान है। जैसी बहू हरलीन चाहती थी ना अपने लिए, बस वैसे ही बहू मिली है हमें। बीजे सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने व्रत रखा, लेकिन उसने व्रत किस नियत से रखा है, किस इरादे से रखा है। व्रत तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद उसने व्रत रखा, हम सबके मना करने के बावजूद उसने व्रत रखा। तो देखिए, दिखावा बिल्कुल नहीं किया उसने, जताया नहीं कि वो भूखी प्यासी है, रत्ती भर भी दिखावा नहीं किया, है ना बाबूजी? ये फेयर तो नहीं है ना, आप सब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे घर की बाकी बहू ऐसा करती नहीं। आई नो कि पूर्वी बीमार थी और व्रत था, लेकिन आई एम श्योर अगर बाकी कोई भी बीमार होता, बाकी बहुएं बीमार होती, तो वो भी व्रत रखती और निभाती। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब उसकी तारीफों के से पुल क्यों बांधे जा रहे हैं। मैं कुछ स्पेशल तो है नहीं। जीजू आप बताइए, क्या दी आपके लिए ऐसा नहीं करती? और चाचू आप, चाची आपके लिए ऐसा नहीं करती? क्या करती ना ऑब्वियसली। बहुत दिनों बाद मल्होत्रा डाइनिंग टेबल पर बैठे और वो भी कैजुअली और प्यारी प्यारी बातें कर रहे एक दूसरे के साथ। शुरुआत तो खैर सरगी वाला एक हमारा, मतलब सरगी नहीं सॉरी, जो करवा चौथ की रात का एक डाइनिंग टेबल का हमारा सीन हुआ, उसमें भी सब अपना व्रत तोड़ते हैं, उसमें भी बातचीत होती है। उसमें पूर्वी व्रत रखी है तो उसकी चिंता को लेकर थोड़ी बातचीत हुई है कि तभी वहां पर आरवी अपनी पूर्वी को लेकर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, डाइनिंग टेबल पर वो पूर्वी के लिए चेयर भी खिसकाता है। तुम्हें याद है 2 साल पहले क्या हुआ था? न्यू ईयर्स 2022। उस दिन दीपिका भाभी ने किसी को भी पार्टी में जाने नहीं दिया क्योंकि इनके सर में दर्द हो रहा था। इनको जाना नहीं था तो इन्होंने सिंपल हेडेक और कुछ नहीं था। तुम उसको पूर्वी की सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सिचुएशन सिंपल नहीं है। तभी हरलीन पूजा की थाली लाकर पहली बार पूर्वी की आरती करती है और उस पर आने वाली बुरी बलाओं को दूर जाने का आशीर्वाद देती है। तो पॉजिटिविटी के लिए तो ये सब करते हैं। ये सब करने से घर की सारी बलाएं हट जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। हरलीन पूजा पाठ बहुत करती है और वो बिलीव करती है कि घर की सुख शांति के लिए और इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो हरलीन का वो रूटीन है, वो मंदिर जाती है, आती है, सबको सारे घर में दुआ करती है, जो हम करते हैं अर्घ्य देना, ये सब वो सब करती रहती है। भाई पूर्वी की अच्छाई ने हरलीन का दिल जीत लिया है और अब तो आरवी ने सभी को झटका भी दे दिया है कि घर में पुलिस आने वाली है। ये सुनकर सभी हैरान है। एक मिनट में अभी ठीक
सब ठीक था ना बेटा? बेटा किसका फोन था? जब तू यहाँ से उठ के गया उससे पहले किसका फोन आया था? कौन था, किसका फोन आया था बता ना। इंस्पेक्टर का? क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? क्यों फोन किया था उसने? आशी बोल ना, तू क्यों इतना परेशान दिख रहा है? कुछ तो हुआ है, क्यों फोन किया था इंस्पेक्टर ने? बोल ना बेटा। हाँ वो कह रहे थे कि उन्हें पूर्वी से मिलना है उसका भाया भी, क्योंकि उन्हें कुछ पता चला है वो हम सबको बताना चाहते। और एक डाइनिंग टेबल का हमने जो सीन किया उसमें थोड़ा टेंस सिचुएशन हमने फेस की है, जहाँ पे आरवी किसी बात को लेके थोड़ा सा टेंशन में दिखा है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है क्यों। तो हम सब उसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, और फिर वो बताता है कि पुलिस आने वाली है पूर्वी के साथ, पूर्वी को कुछ सवाल पूछने के लिए। सभी की टेंशन के साथ साथ यहाँ पर मोनिशा की टेंशन ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका सच सभी के सामने ना आ जाए। बच्चे मन के सच्चे, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।